स्वागत है आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने बांटे मास्क और साबुन। टीकमगढ़ जिले के विधायक हरिशंकर खटीक भारत में जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों की मदद के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता की समस्याओं को कम करने के लिए प्रतिदिन भोजन सामग्री अपनी निगरानी में बंटवा रहे हैं, जिससे कोई भी गरीब मजदूर अथवा असहाय घरों में रहकर भूखा नहीं रहे। इसके साथ कोरोना वायरस बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई एक मान्य हथियार है, जिसके लिए पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक हरिशंकर खटीक के द्वारा चेहरा ढकने के लिए मास्क व साफ सफाई के लिए साबुन वितरित किए और ग्रामीण अंचलों का दौरा करके ग्रामीणों की समस्याएं जानने का प्रयास किया। साथ ही सभी को समझाइश भी दी कि वो इस कठिन परिस्थिति में घर पर ही रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि हमें कोरोना को हराना है और अपने देश से कोरोना से मुक्ति निजात पाना है, हम सभी भाइयों से अनुरोध कर रहे हैं और उनको घर घर मास्क बांटने का हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खाद्यान्न एवं मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश से जो कोरोना आ चुका है, हम चाहते हैं कि वो भगे और हमारे देश की जनता को इससे निजात मिले। लेकिन हमारा सब लोग नगरवासियों से अनुरोध है, क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि अपने अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें, धैर्य का साथ दें और साहस के साथ में अपने घरों में रहें। मूंग की दाल की बड़ी और मूंग की दाल घर में खाएं और रहें। बाहर से कोई भी सामग्री क्रय करने के लिए नहीं जाएं। वैसे गरीबों के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने हर गरीब व्यक्ति को एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ देने का प्रावधान किया है। वो 3 महीने तक लगातार निःशुल्क मिलेगा। जो हमारी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं वो भी लगातार 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर भी देने का प्रावधान किया गया है। जब सरकार और जनधन योजना के माध्यम से माताओं के बहनों के खातों में भी राशि आ रही है, हम सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि धैर्य का साथ दें, कोरोना को हराना है और अपने देश से कोरोना को भगाना है, इसमें सहयोग प्रदान करें। माननीय विधायक जी आप द्वारा और माननीय सांसद जी द्वारा इस क्षेत्र में जो भोजन पैकेट और मास्क का वितरण किया जा रहा है, और इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आगे शासन द्वारा और आप लोगों के द्वारा इस जनता जनार्दन के लिए और गरीब आदमियों के लिए क्या सहयोग और किया जाएगा अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ एक व्यक्ति के मापदंड के आधार पर दिए जाने का प्रावधान किया है, वो लगातार 3 महीने तक मिलेगा और गैस सिलेंडर भी 3 महीने तक फ्री मिलेंगे। जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो श्रमिक कर्मकार मंडल के उनके कार्ड हैं, उनको भी निःशुल्क खाद्यान्न देने का प्रावधान किया गया है और जनधन के खाते में भी 1,000 रुपये सब्जी खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। हम सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अपने घरों के अंदर रहें, धैर्य का परिचय दें और साहस से काम लें। अपने घरों में रहें तभी हर व्यक्ति सुरक्षित है। सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती हमारी प्रार्थना है, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपने घरों के अंदर रहें और कोरोना को भगाने में सहयोग प्रदान करें।